अंत अलवाल है जी। ये यहाँ पर हम आए हैं कल्लात में, हिंदुओं का इलाका है पूरा ये, और यहाँ हिंदू सदियों से आबाद हैं। और बड़ी बात ये है कि कभी कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ फसाद नहीं हुए। मुसलमान जाहिर है मेजॉरिटी में, हिंदू मेरा ख्याल है 2% 1% होंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हिंदुओं के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि जब ये यहाँ के मकामी हजरात बताते हैं बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो भी यहाँ उलमा ने हिफाजत की है, हत्ता के मंदिर की हिफाजत की है कि कोई यहाँ तखरीबकारी ना करे। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनसे भी गुजारिश है कि भाई वहाँ भी मुसलमानों का ख्याल करना, इंसानियत का। जो पाकिस्तान में हमने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कभी कोई नाज़ेबा सलूक किया। नहीं नहीं बिल्कुल। तो ये इंडिया में भी होना चाहिए कि फिर वहाँ हिंदुओं को चाहिए कि वहाँ मुसलमानों को अपना भाई समझे बिल्कुल। और अगरचे वहाँ मुसलमान यहाँ जितने हिंदू हैं उससे कई गुना ज्यादा वहाँ मुसलमान, कई गुना ज्यादा है बिल्कुल। तो मैं तो स्पेशली ये मंदिर देखने के लिए आया हूँ, यहाँ हिंदुओं से भी मैं मिला हूँ बिल्कुल, और वो बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के लोगों से। कोई मजहबी तासुब नहीं है। अभी ये हम मंदिर की विजिट करते हैं, आप ये देख रहे हैं काली मंदिर, काली मंदिर की क्या तारीख है। यहाँ के वो पंडित जी को बुलाए, चलते महाराज है उनसे, महाराज जी जी महाराज, इस्तिलाहत भी हमें नहीं पता भाई। जी जी महाराज है यहाँ, आ जाए जरा महाराज से आ जाए। ये महाराज है, मौजूदा महाराज है। महाराज की डेफिनेशन क्या है जी? सर मेरा, मैं महाराज नहीं, मैं गोसाई। गोसाई क्या होता है? गोसाई हमारा लकब है यहाँ का। अच्छा, जो काली मंदिर के आदमी, काली मंदिर किसे कहते हैं पहले ये बताओ ना। हम तो नॉर्मल मंदिर का सुनते थे, काली तो पहली दफा सुना मेरे। सर काली मंदिर ऐसे ना, ये काली माता का मंदिर है। काली माता का, माता का मंदिर उनका नाम है। हाँ, उनके नाम से ये मंदिर। काली माता क्या होता है? बस यही, काली माता नाम है। किसका नाम है? हमारी देवी देवता जो हैं ना। अच्छा अच्छा, उन देवी का नाम है काली। तो ये उनके नाम से मंदिर है। जी हाँ। तो ये कितने हैं दुनिया में टोटल? सर है तो सारे सारे हैं तो दुनिया में, लेकिन मशहूर एक कलात में भी है, इंडिया में भी है, कलकत्ते में भी है। दूसरा ये माना जाता है काली माता का मंदिर। तो ये कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पे? जी जी। अच्छा जी, तो क्या मतलब दूसरे नंबर बड़ा है ज्यादा ये? सर ऐसे था ना, पहले ये पुराने शहर में वाक्या था, जो हमारा पुराना शहर मीरी वाक्या था ना। हाँ। वहाँ पे ये था 1935 में जो बड़ा जलजिला हुआ, तो उनके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए, पूरा शहर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो आप तो पठान लग रहे हैं बिल्कुल, गोरे चिट्टे। नहीं तो सर हम तो जो मैंने अपनी जिंदगी में हिंदू देखे वो तो थोड़े ब्लैक से देखे। हम तो ये कलात की आबोहवा की वजह से हैं, यहाँ की हवा की वजह से। जी जी। तो आपकी जबान कौन सी है? सिंधी। सिंधी बोलते हैं घरों में। अच्छा, तो यहाँ की मकामी जबान नहीं सीखी आप लोगों ने? मकामी जबान सर, हम पैदा यहाँ पर हुए हैं। अच्छा, हमारी धरती माँ, हमारा भूमि स्थान यही है, तो हम बिरावी भी जानते हैं, उर्दू सिंधी। थोड़ा सा सवाल करें। चलें चलें, आ जाएं। तो ये महाराज हैं? जी जी। महाराज क्या क्या होता है, वो क्या जिम्मेदारी है, वो मंदिर का जो रखवाला है? गद्दी नशीन। जी हाँ, मैं गद्दी नशीन हूँ यहाँ का। अच्छा जी जी। इनके जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या लिखा हुआ है? परम पुरुष भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर के लिए खुशदार शहर में एक जगह ली गई। सही, तो जैसे चंदे की अपील लग रही है मुझे कुछ इस टाइप की। तशरीफ रखिए। अच्छा अच्छा। काली माता, काली मंदिर। तो रोजाना खुला होता है ये? जी हाँ सर। तो क्या होता है यहाँ पे, यानी आपके मामूलात क्या हैं? मुझसे आपको पता है सर, हमारे मामूलात ऐसे होंगे, पूजा होती। अच्छा। सुबह को, शाम को, रात को। अच्छा जी जी। इसी वक्त भी लेडीज वगैरह, ये टाइम लेडीज क्या करते हैं पूजा में? सर जो हमारे रसूमात होते हैं तो हम पूजा करते हैं। अच्छा जी। तो आपने रसूमात हैं तो वो, हमने जो इंटरनेट पे जो देखे हैं हिंदुओं के महाराज, वो तो नीले पीले डिजाइन उनके होते हैं, आप तो सादा सिविल नहीं कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। तो जैसा देश वैसा वेश, बलूचिस्तान में बैठे हुए तो वैसे ही हमारा वैसा होगा ना सर। नहीं, इंटरनेट पे आती है ना वीडियोस में, तो नीले पीले कलर होते हैं मुख्तलिफ डिजाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बैठे तो आप सिविल ड्रेस में बैठे। जी जी बिल्कुल, जैसा देश वैसा वेश। तो ये हिंदुओं का कौन सा फिरका है जो यहाँ पे ज्यादा? सर फिरके तो बहुत से, लेकिन ये माता को मानने वाले, माँ काली। माता किसे कहते हैं, गाय को? सर माता ऐसे है ना, हमारे नबी माता तो माँ को नहीं कहते? जी जी, उसी को कहते हैं माता, माँ को कहते हैं। हाँ। तो उनके स्वरूप हुए हैं ना, माता काल का उनके स्वरूप है, रूप है एक। अच्छा अच्छा जी जी, सही है सही है। तो आप लोग का जो ज्यादा रश किस दिन होता है? सर हमारे बड़े महाराज साहब की बरसी होगी ना जनवरी में। हाँ। 21 22 23
उसमें लोग ज्यादा होते हैं जी, हाँ आसपास के आ जाते। तो इसमें बुत नहीं रखे हुए आपने? कैसे सर? जो जो हमें जो इंटरनेट पे जो भगवान नजर आते हैं वो जो सर मूर्तियां हैं हमारे। अच्छा सही है सही। मेरे बयान सुने कभी आपने मुफ्ती तारिक मसूद? बिल्कुल मैंने नेट पे देखे हैं जी, हां बिल्कुल। पहचान लिया अभी मुफ्ती? नहीं नहीं पहचान नहीं है मैंने। अच्छा पहचान लिया, पहचान लिया। तो मैं तो इनसे कह रहा था थोड़ा भगवान से भी हम सलाम दुआ हो नहीं सकती हमारी? सर बिल्कुल कोई नहीं, हमने तो सर वेलकम किया आप हमारे यहां अभी, हम वेलकम करेंगे। हम आगा जान हमारे यहां पर आते हैं ना, हम इनको वेलकम करेंगे। हम हमारे ब्रदराना ताल्लुक आते हैं जी जी बिल्कुल। अच्छा ये यहां के मौलाना है, जेयूआई के इनके भाई है ना, जेयूआई के जनरल सेक्रेटरी, इनका बड़ा सियासी यहां पर सियासी साख है और बिला शिरकत गैर सियासी तौर पर इन्हीं की हुकूमत है हमारी यहां पर। बड़ा भाई चल रहा है इनके यहां पर, अगर कजिया हो तो। अच्छा आप लोग सदियों से आप लोग यहां रह रहे हो, मुसलमानों ने आपके साथ कभी कोई गलत सलूक किया हो? सर अभी आप ये देखें ना, यहाँ के तो मुसलमान भी बड़े गैरतमंद है ना सर, बड़े अभी आप देख रहे हैं भाईचारे के साथ बैठे हुए हैं ना, हमें कोई टेंशन है ना। तो आप हिंदुओं को जरा इंडिया में कुछ पैगाम दें कि भाई वो अभी मुसलमानों के साथ अच्छे रहा करें। सर ये कला देख सब भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है जी। कैसे मिसाल है कि इनकी अगर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई कजिया हो तो हमारी हिंदू कम्युनिटी उनको मुंह दिखाने के लिए ताजियत के लिए हो जाती है, और हमारे यहाँ अगर कोई कजिया हो तो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे जो भी वाकफ है जो भी हमारे बड़े हैं ना, जिन दिनों में बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ यहाँ तो कोई किसी ने फसाद की कोशिश नहीं की। वो लहर यहाँ पे कलात में नहीं थी क्योंकि हमारा भाईचारा जो कलात में है उसी टाइम से वही भाईचारा चल रहा हुआ है और आगे भी उम्मीद है वही भाईचारा। हम चलो ठीक है, वैसे हम सबको तहकीक करनी चाहिए कि दीन बरहक कौन सा है, ठीक है ना, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी तो मैं इस बहस में नहीं जाता कौन सही है कौन, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम सब तहकीक करें कि मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान हूँ कि मेरे बाप दादा मुसलमान थे तो ये मेरे लिए गलत होगा। मुझे इस्लाम की तहकीक करनी चाहिए, हिंदू की तहकीक करनी चाहिए, आपको इस्लाम की करनी चाहिए, हिंदू की। तो आप हमें अकल से खुद फैसला करना चाहिए ना कौन सही है कौन गलत है। आपस में तो हमें मोहब्बत से रहना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हक की तलाश हम सबको खुद करनी चाहिए कि सही हक है क्या, क्योंकि अल्लाह का दीन तो दुनिया में एक ही है, तो हम सबको उसकी तहकीक करनी चाहिए। तो पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है मैं जहाँ भी गया हूँ ईसाइयों के साथ भी सिखों के साथ भी, मुसलमान तो मैंने नहीं देखा कभी लड़ते हो। तो ये क्यों दुनिया में मशहूर किया हुआ है मुसलमान जो है ये अपना मजहब जबरदस्ती ठोसते हैं, ये गलत है ना। कोई आपको कभी किसी ने बंदूक पे आपको बोला हो? अभी पानी पिया हमने, अभी पानी पिया, अल्लाह जज़ाए खैर, अभी पिया चाय पिए, अभी पिया चाय। आगा जान सर ऐसे हम मेहमान जो आते हैं हम इसे छोड़ते ही नहीं यहाँ पर। अच्छा चलो चाय नहीं सर, पानी पिला, पानी पानी पिला कुछ बिस्किट चाय ना ना बिस्किट बस पानी। आप ताकि ये ना समझो ना कि आप चाय पिए तो हमें खुशी होगी ना, अब बड़ी दूर से जज़ाकअल्लाह। भी चाय पिए थोड़ी देर पहले हमने बागात में बैठ के चाय पी इधर। तो आप अपना गद्दी नशीन किसको बनाओगे फिर? अभी तो हम खुद बैठेंगे। अच्छा हिंदू लोग जो शादियां करते हैं वो भी इधर ही आते हैं? फेरे मेरे काम पर सर वो जी है, वो यहाँ पर होते हैं हर मंदिर में होते हैं, तो वो महाराज यहाँ पे टोटल कितने मंदिर है? 6 मंदिर है। अच्छा पूरे कलात में 6 मंदिर है। तो आप लोग की कोई कम्युनिटी का कोई बड़ा होता है पूरा? सर कम्युनिटी का हमारे बड़े महाराज थे ना, तो वो उम्र भी दराज थे, दोनों की गादी पे मैं बैठा हूँ। अभी भी हमारे महाराज 4 महाराज हम यहाँ पर गादी बैठे हुए हैं, तो उम्र दराज हमारे एक महाराज हैं वो भी बैठे हुए हैं गादी पर। अच्छा अच्छा तो आप लोग जो है गुरु नानक ये जो मशहूर है हिंदू लोग गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते हैं? जो हमें मना की चीजें हैं अभी कौन मान रहा है, वो तो कोई अपने रास्ते पे तो नहीं। आपकी सेहत से भी लग रहा है वो तो अपने रास्ते पे तो नहीं है ना। सब्जी खा के ये सेहत नहीं बनती? हम सब्जी वाले सर, वेजिटेरियन। अच्छा वेजिटेरियन है। कौन सी सब्जी खा रहे हैं जिसमें आपने इतनी अच्छी सेहत बना ली? सेहत नहीं बनती हमारी जो आबो हवा है ना, वो तो आबो हवा तो वैसे ही अच्छी है। सही है सही है, ठीक है ठीक है। कराची आना हुआ कभी आपका? सर वैसे आते हैं उठाएं। कराची आए हैं कभी आप? ये उठाएं। हेलो भाई कराची आए हैं कभी आप? सर वैसे ना हुए। अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब कराची में होते हैं, जामतुर रशीद में उस्ताद हैं। अच्छा हाँ सोशल मीडिया पे हमारे बहुत बड़े बेहतरीन आलिम दीन हैं मुफ्ती साहब हैं। मसाइल कभी आए ना ये कराची तो इनको आप हमारे यहाँ लेकर जरूर जरूर मुफ्ती साहब, ठीक है ना।
पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जी 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 सबको सुना जाता है। अच्छा, नहीं तो ये मैं पूछ रहा था, ये जो आग के गिर्द घूमते हैं शादी में, ये यहाँ भी ऐसा ही होता है? जी सर, वो हमारी जो रसूमत जो होती है ना, वो निकाह की, वो कहाँ होती है? इसी मंदिर में, इसी मंदिर में, सारे मंदिरों में हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, आग जलाते हैं? सर वो जो हमारा वो सिस्टम होता है वो आकर वो करते हैं। तो फिर आप पढ़ते हैं वो जो पढ़ रहे होते सर हैं। वो और महाराज होते हैं, मैं यहाँ का गादी सुन, मेरा लकब गोसाई का है सर। तो वो जो है वो महाराज पढ़ाते हैं, पंडित लोग हमारा। वो क्या पढ़ रहे होते हैं वो? तो सर जो हमारे मजहबी किताबों में जो, अच्छा, तो वो जितने लोग हैं सब एक ही जैसे वो पढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल सर, जो जो चीज निकाह नामा है तो वही वही पढ़ेंगे, जो निकाह जो चीज है तो वही पढ़ेंगे। सही है, सही। जी जी, चार शादियां नहीं कर सकते ना हिंदू लोग? सर अभी एक पली नहीं जा रही है, तीन शादियां की है, चक्कर वक्कर की बात नहीं कर, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। इस दौर में सर एक नहीं पाली जाती, चार कहाँ पालेंगे? नहीं, अगर पालना मुमकिन होता तो हिंदू मजहब में तो इजाजत नहीं है ना। नहीं सर। सही है, सही। अच्छा, तो आप लोग जी जी आप लोग सही है, सही है। तो चाहे सर नहीं, अल्लाह जजाक कर दे, बस आपने बहुत इकराम किया। मैं पहली दफा सही तरह से किसी मंदिर में गया हूँ, अभी भी सही गया नहीं हूँ अंदर, मैं सिर्फ बाहर ही बैठा हूँ। अच्छा, तो वैसे शौक था मुझे जी जी आप लोग का कल्चर देखने का। जी जी सर बिल्कुल। और सही है, तो आपने संस्कृत जबान भी सीखी है? जी हाँ सर। ये जरूरी है हिंदू के वो जो? सर हमारे मजहबी किताब सारे संस्कृत में है। अच्छा जी जी। तो मजहबी किताबें आप पढ़ाते भी हैं? कौन सी किताब पढ़ाते हैं बच्चों? हमारी जो मजहबी है तो वो पढ़ाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता और हमारे जो भी किताबें हैं वो हम पढ़ाते हैं पाठशाला से। अच्छा, पर्दा जो औरतें पर्दा करती हैं ये भी मजहब का हिस्सा है ना, पर्दा जी, करना? जी जी बिल्कुल। यहाँ भी औरतें बापर्दा हैं? यहाँ भी शराब हराम है। हराम है? हाँ हाँ, ऐसा करते हैं। अच्छा, सही है, अच्छी बात है। चलें, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हमें भी खुशी आपसे मिलकर बड़ी। फिर कभी कराची आए तो हमारे साथ भी मिलें, ठीक है? हम आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, चलें जी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गोसाई श्याम। गोसाई श्याम गिर, बड़ा मुश्किल नाम नहीं? गोसाई श्याम गिर मेरा नाम। अच्छा 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 अच्छा, चलें। क्या कह रहे हैं? हाँ बट ठीक है, सही है, सही है। नहीं नहीं, हम जबरदस्ती कोई काम नहीं करते, ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं अंदर खवातीन है ना, तो सही नहीं। नहीं नहीं, वो खवातीन को क्या मुफ्ती गैर मुफ्ती का फर्क थोड़ी पता है। खवातीन इतकाफ में बैठी हैं? कितने दिन का इतकाफ है? कुछ मखसूस रसूमात होते हैं, सिर्फ मैं जा सकता हूँ अंदर, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। ये सही है। इसके अलावा जावेद चौधरी के अक्सर कालमों में इसका जिक्र आता है। अच्छा, काली माता है और इनके खुदा के इनके जब होते हैं सब जितने भी आते हैं सब इधर ही आते हैं। अच्छा, ये क्या बना हुआ है तस्वीरों में? ये शेर है। शेर है? हाँ, शेर नहीं है, शेर कुछ और। शेर नहीं है, शेर है, शेर नहीं है, शेर है, शेर नहीं है। अच्छा, ये शेर है, वो शेर नहीं है। चलो खैर है, चलें फिर, चलें जी, जात लें फिर, ठीक है? मुस्लिम में नमाज पढ़, ठीक है? ये हमने जी इंटरव्यू लिया, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ अमन व अमान है। और काली मंदिर का हमने विजिट, काली मंदिर का विजिट किया। काली मंदिर गोसाई श्री राम, गोसाई श्री राम, हाँ इनका नाम है ना। हाँ। और ये क्या थे यहाँ पे? ये यहाँ पे गद्दी नशीन है, गद्दी नशीन। तो इनका इनके ओहदे का नाम क्या है? गोसाई।
बहुत सारी बातें और पूछनी थी लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं नाराज ना हो जाए। आप क्या तौहीद के हवाले से? नहीं, तौहीद के हवाले से तो वो तो दो और दो चार की तरह है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इनके मजहब के बारे में कि ये जो गाय का गोश्त है क्या है इनके यहाँ? हाँ, साइंटिफिक हवाले से। दूसरा, वो जो पहले जमाने में इनके यहाँ रस्म थी कि औरत, हाँ यार रिवर्स ही ले लेते हैं भाई सीधा सीधा, और ये जो इनकी रस्म थी कि औरतों को जला देते थे पहले शोहर के साथ, हाँ हाँ, वो क्या किताबों में लिखी हुई है इनके? अब ये चीजें ये नहीं कर रहे हैं। नहीं, मजहब में तो है ना, अगरचे नहीं कर रहे। हाँ हाँ, मजहब में है। एक आप, एक सवाल जो आपने उनसे पूछा ना गोश्त के हवाले से, उसने कहा मजहब पे कौन अमल कर रहा है? हाँ, उसने असल में वो एक किस्म का इल्जामी जवाब दिया। अच्छा, मसलन हमारे नमाज फर्ज है, सब कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब वो एक इस तरह का। अच्छा 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 अच्छा,